ठंड लग रही है साला, कनाडा बैठे हो तो ये दोनों। बाथरूम बड़ा बनाना चाहिए था इनको, छोटा बाथरूम बड़ा छोटा है। गाइस जग्गी नु मिल लो, जग्गी बहुत चिरा बाद मिलता है। और camera speed sound production take 1 Hey guys, what's up and welcome back to the channel। गरबा वाला व्लॉग देखा ना, हालो रे हालो लिख दिया, दो तीन लोगों ने कमेंट किया अच्छा लगा, मजा आया कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हो। मतलब तीन चार लोगों ने प्यार किया तो उससे पता लगता है कि प्यार का लेवल जो है ना कितना बढ़ रहा है और लोगों के दिल में कितनी अच्छी सी जगह बन रही है हमारी। वो कोई चक्कर नहीं है। अंकल क्या कर रहे हो एडे चाली, तो पता कि गाड़ी मुड़ रही है, गाड़ी के ऊपर चढ़ना अंकल को। गाइस आज मैं जा रहा हूँ टाउन, मेरा दोस्त है जग्गी, जग्गी को मिलना है। जग्गी आर्मी में काम करता है, मतलब आर्मी ऑफिसर है, और विशाल को शॉपिंग करनी है बिकॉज वो घर जा रहा है, तो बोलता मेरे को शॉपिंग करनी है, चल तू भी साथ में चल ले। सब बहती गंगा में सब लोग हाथ धो ही लो, तो धुल ही दे तो सब लोग धो लो ना अच्छे से। तो मौसम जो है बड़ा खतरनाक है, आज शनिवार, तो हम कुछ बेसिक बेसिक मतलब अच्छा सा कार्गो पैंट्स विद बैगी शर्ट पहन के तैयार हुए हैं। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, कपड़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो दर्शाता है आपको जब आप पब्लिकली बाहर जाते हो कि आपने कैसे, क्योंकि देखो अब जज करना ना करना तो लोगों के हाथ में, पर जब लोग जज करते हैं तो समझ लेना चाहिए दे आर जजिंग यू। बट एक खुद का इंप्रेशन होता है आपको कहीं पर, अगर ऐसी जगह जाना है मिलने, मीटिंग पे जाना है, कहीं कुछ करने जाना है, तो आपके कपड़े ना और आपके जूते स्पेशली एक अलग सा इंप्रेशन डालते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर। तो ऑलवेज बी इन अ गुड ड्रेसिंग सेंस, ताकि सामने वाले को पता लगे कि नहीं भाई बंदा तमीजदार है, और बाहर जो मौसम है ना वो बड़ा बदतमीज होता जा रहा है, और मौसम इतना बड़ा कसमसा सा हो गया, कसमेड़ा सा मौसम हो गया है, और बारिश लगता आ ही जाएगी आज। तो हम हाईवे से जा रहे हैं, हाईवे से फटाफट पहुंच जाएंगे हम। टाउन जाना है तो मतलब कि जद्दोजहद बहुत होने वाली है, बाकी थोड़ी देर में क्विक अपडेट दिया जाएगा आपको। सी यू इन अ व्हाइल। आज लगता है गाड़ी ने बड़े गलत टाइम पे निकाल ली है, क्योंकि मौसम जो है ना वो ज्यादा ही काला काला है। और जिस दिन पता क्या, जिस दिन मन हो ना बड़ा तैयार शहर होकर निकले हो कि बाहर जाना है, घूमने जाना है, थोड़ा सा सैटरडे है, थोड़ा सा वीकेंड की मौज लेने जाना है, और गाड़ी भी साफ है, टिच है, मतलब गाड़ी पे एक दाग तक नहीं है, उस दिन बारिश आनी ही आनी है। मतलब सुक्का काम होना ही नहीं, आज गिला गिला काम ही चलना है। नवरात्रों के दो दिन बचे हैं, तो मतलब चिकन अंडा तो बिल्कुल नहीं, बाकी जो खा रहे हैं वो तो खा ही सकते हैं भाई, अपना अपना परहेज होता है भाई, कोई ऐसा कोई किसी को रोका नहीं गया। बट मैं जो मानता हूँ कि चलो वैसे तो सारा साल ही नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वेजिटेरियन शाकाहारी वैष्णो बन जाऊँ बिल्कुल ही। इस वजह से अभी एक महीना मैंने चिकन अंडा अवॉइड किया है ना, तो मेरे को बॉडी की स्किन जो मतलब स्किन टेक्सचर है मेरा, स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी लगने लग पड़ी है, और ट्रैफिक जो है वो क्यों बढ़ रहा है वो पता नहीं। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी जब ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान मिलने के साथ साथ ना इंसान ज्ञान चंद हो जाता है और खुश हो जाता है। ये देखो मेट्रो आ रही है, चलती तो इतने मजे मजे से है, बोलते मेट्रो बड़ी तेज चलती है, रब भी जाने मेट्रो दाता। विशु को पिक करना है, और सुबह से ना सिर्फ सेव ही खाया आज। आज वो था कि बाहर जा ही रहे घूमने, तो बाहर इतना कुछ खाया जाता है कभी कभी, फिर क्या होता है ना फिर सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो आपकी जो डाइट वाइट है वो सारी ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए डाइट के चक्कर में ना सुबह एक सेब खा लो या कॉफी पी लो, तो बॉडी को ना एक पता होता है कि आज ये गंद कूड़ा खाने वाला है बाहर, तो इसलिए आज इसका परहेज रख दो शुरू से ही। बस अभी उसको पिक करते हैं, फिर यार सीलिंग लेंगे, आज सीलिंग से जाएंगे, बिकॉज पता नहीं है सीलिंग से क्या फैसिनेशन है। मतलब मेरे को भी मतलब देखने में अच्छा लगता है, बट देट यू नो कि मुंबई में ब्रिज बहुत बड़े ज्यादा नहीं है इतने, जब पानी से कनेक्टिविटी और सीलिंग की है। हमारे वहां तो पुल ही पुल है, हर जगह पुल, नहर के ऊपर पुल, इधर ऊपर पुल, चक्की पुल, काट पुल, पुल ही पुल है, सारे ऊपर पुल ही देखे है। तो अभी वाला भी एक जम्मू वाले भी एक पुल बना है बहुत बड़ा, उसको नाम याद नहीं, उसको छोटा सीलिंग की बोल देते हैं सब लोग। बट हाँ, पर जब भी जाओ एक रात को स्पेशली सीलिंग बहुत अच्छा लगता है, दिन को मतलब ठीक है। अब जैसे अभी वेदर काला और वो बारिश पूरी टाइप है ना, तो अभी थोड़ा और अच्छा लगेगा। ओके, और विशाल ने सीलिंग नहीं देखा, तो अभी जब वो आएगा ना तो उसका सीलिंग का रिएक्शन मैं कैप्चर करूंगा कि उसको कैसा लगा। उसने मेरे को बोला था मैंने सीलिंग कभी देखा ही नहीं है, चलो किसी दिन लेके जाऊंगा तो सीलिंग दिखाऊंगा, तो आज उसका रिएक्शन चेक करते उसको सीलिंग लगता कैसी। तो भाई कैसा लग रहा है पहली बार सीलिंग देखने जा रहा है? तो तूने पुल नहीं देखा कभी जिंदगी में? नहीं, पुल तो देखे, ये नहीं देखा इधर का सीलिंग। अच्छा, तू पहली बार देख रहा है ना? पहली बार देख रहा है ना? पहले तो बेल्ट पहन ले सीलिंग पे, अभी टाउन जा रहे हैं ना, टाउन में रूल अलग है, टाउन में चलान किसी भी चीज का हो सकता है, लेन का भी चलान हो जाता है। हाँ, लेन डिसिप्लिन भी है, लेन का भी चलान है। तो तू मेरे को जेन्युइन ओपिनियन बताना तेरे को कैसा लगा देख के सीलिंग, ठीक है? अलग लगा कि नहीं लगा? ठीक है, अलग लगा। अबे देख के जब देख जाएगा उसके ऊपर देखते हाँ, तब देख के बताना। बाकी ये तो देख के तो
ये तुम पहले भी आया हूँ मैं इस वाले पे आया पहले हाँ? तो फिर क्या बोल रहा मैं आया नहीं सीलिंग देखा नहीं मैंने कभी रात को आया था जब मैं पहले उस टाइम मुंबई आया था मैं चले गया था हाँ? तो टैक्सी लेके तुम इसी साइड से गया तो तूने तो बोला मैंने सीलिंग देखा नहीं है मुझे नहीं पता ना इसका यही सीलिंग है एक ही सीलिंग है एक ही तो पुल है पूरे मुंबई में और पुल ही नहीं है वो न्यूयॉर्क की तरह दिखता थोड़ा सा स्काईलाइन कैसा लगता न्यूयॉर्क आ गए हो यहाँ से ड्रोन उड़ाने को मिलने क्या शॉट है मजा आ जाए हाँ जेल में होगा बैठा अगले दिन कैमरे स्पीड कैमरे भी कभी मैं भूल जाता हूँ जल्दी जल्दी में ना कि स्पीड कैमरे भी हैं भाई मेरा दो बार चलान हुआ है यहाँ पे हजार हजार रुपए का दो बार हो चुका है मेरा एक बार रात को हुआ था तो स्पीड थी मेरी 130 140 सुबह देखा था 1000 रुपए की पर्ची एक बार स्पीड थी 180 1500 रुपए चलान फिर से इतनी प्यारी बनाई है सीलिंग कौन मांगता है पैसे कौन मांगता है पैसे पर यार ये ना जब बारिश हो ना बहुत तेज हिलता है बहुत बहुत तेज बारिश हो या फिर वो तो अंदर भिवंडी वंडी एरिया है हाँ वो हम चर्च गेट गए थे हाँ। वो लोकल ट्रेन पकड़ के हम लोग चर्च गेट की तरफ गए थे फिर वहां से आ गए हाजी अली गए थे मैंने स्पीड लिमिट रखी नहीं है पर मैंने सेट किया सिर्फ इसके आने के लिए 80 जब हो जाए मुझे बता दे क्या बात वरना फिर यार हर पता नहीं चलता भाई फ्लो फ्लो में गाड़ी कितनी आगे निकल जाए बन रहा है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है ये पूरा जो है ना ये बाहर बार हाजी अली के ऊपर से होते मतलब साइड से होते हुए पूरी सड़क बनेगी ये राउंड 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 और बहुत ही सही बनेगा मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो देखा था पूरा 3D डिजाइन मतलब बहुत ही प्यारा बन रहा है जनरली ये लोग टाउन में मेट्रो भी है मेट्रो भी अंडरग्राउंड बना रहे हैं ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो है नरीमन पॉइंट से शुरू होके वर्ली की तरफ जा रहा है आगे सी लिंक के पास जुड़ेगा जाके पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं बट जो भी है ना भाई जब तरक्की होती है तो अच्छा लगता है देख के अब इसको टाइम है बनने में तब तक मतलब मेरे 10-15 बाल सफेद हो चुके होंगे 10-15 भी तो 2-3 ही है मतलब दाढ़ी यहाँ से सफेद होना शुरू हो जाएगी तब तक बन जाएगा दो बच्चे भी हो गए नहीं नहीं वो नहीं अपने शादी वाला झंडा ही नहीं है भाई शादी नहीं करनी हमें वो नहीं चाहिए कि सुबह उठे कहाँ जा रहे हो रात को आए कितने बजे आओगे वो सब हमें चाहिए नहीं हमें जिंदगी में शांति चाहिए शांति शांति तो वैसे बहुत है शांति वैसे ही बहुत है और वैसे भी इधर की तरह होगी शांति पर ये बनना चाह रहा है यार बहुत सही हो जाएगा जब बनेगा तो गाइस ये हाजी अली एरिया है तो यहाँ पे हाजी अली दरगाह है बहुत फेमस दरगाह है कभी आओ तो मत्था टेक के जाना मैं भी आया था स्टार्टिंग में गया था तू भी गया था ना आया था साथ में आया था सो नाइस आज इसको मिल रहे हैं वो भी जग्गी है ये दूसरा जग्गी है ये संधु साहब तो गाइस ये रहा अंबानी का घर इतना बड़ा घर है और बंदे रहते चार ही इसमें नौकर बड़े सारे हैं पर ज्यादातर चार बंदे ही रहते हैं चलो कोई ना रहने दो पुलिस वाला भी चलान कट जाएगा अभी हम लोग आ गए नेवी नगर के अंदर और जग्गी की वेट हो रही है जग्गी में जो लोकेशन थी शूट तो कर नहीं सकते आर्मी एरिया भाई अपने देश की सिक्योरिटी अपने हाथ में हो बेचे बाद में कुछ दिखा के कुछ गलत हो गया ना तो कांड हो जाते हैं बहुत सारे तो बस जग्गी आए फिर हम मॉल जाएं इसके शॉपिंग कराएं फिर हम कुछ खाएं फिर हम घर जाएं वापस लोअर परेल वाला फिनिक्स पैलेडियम हां कर डायरेक्शन 40 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में वहाँ पे भी 4-5 बजे पहुंचेंगे 5:30-6 बजे तक शॉपिंग होगी 7 बजे तक 2, 10, 11, 12 रब भी जानता साडा अज की होना साडा कदी टाइम नाल कदी नहीं आया जिंदगी च फौजी बंदा हमेशा टाइम दा पक्का होंदा है ओ तैनू पता है जी फौजी बंदा टाइम दा पक्का होंदा जग्गी मैं पक्का नहीं की हाल चाल है फिट है हाथ मिला यार बंदा हाथ उतर नहीं मिला हाँ जी गाइस जग्गी नूं मिल लो जगी बहुत चिरा बाद मिलता की गल परेशान आ विशाल है आ जगी है कंबल कुंबल मिला मिलो आपस तू बॉम्बे घुमाएगा सानू मड़गांव होना मैं लगता है
पता नहीं देखते हैं माझी गांव की मडगांव नहीं, पर बंदे कई बार पता होना चाहिए ना कि मडगांव है माझी गांव, कोई पूछ ही ले कि यार मोटरसाइकिल की सर्विस करानी है माझी गांव जाओ तो सारा दिन माझी गांव लगता रहे बंदा माझी गांव मिली नहीं हमने एक बड़े पुराने दोस्त से भी अपने बात की, मतलब काफी पुराने दोस्त, बोला 10 साल पीछे ले गए तुम लोग मेरे को, देखिए मतलब पुराने पुराने बंदे ना गल्ला गुल्ला करांदा रहा करना, नीचे उधर ना मैं एक और फ्लोर नीचे जाना, फर्स्ट फ्लोर पे जाना, फिर मैं कहा जग्गी अज पूरे खुशबू खुशबूदार है इतने तक मैं कह रही जग्गी छुट्टी वाली होनी मैं सैटरडे वाली मैं कह रही है जरा सी की सेवा करिए हूं दस तेरे शहर में आए हैं बताओ तुम्हारी क्या सेवा करें साडा कहता शहर शहर तो इन्हों का है देखा जा शॉपिंग ये कर रहे हैं शहर इन्हों का है चल पार्टी जैकेट की पार्टी कितनी अज जैकेट की पार्टी मामा 8,000 की जैकेट लाए घूम रहा तू देखी बंदा रख ला दस दे कोई किडनैप ना हो जाए कि नवरात्रे वेज में क्या खाना है ਕੁਰਬਾਨੀ 11 ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਖਾਂਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਖਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੈਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਏਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾ ਤੂੰ ਤੋ ਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ मतलब कैसा लग रहा है आपको, मतलब आप जो टीवी पे देखोगे पूरा पिंड देखेगा आपको कल, ओके रिपोर्ट है फौजी साहब फिर ठीक। वैसे मैं एक हमेशा एक कहावत बोलता हूँ कि जिंदगी में ना हर एक बंदे से एक फौजी दोस्त होना चाहिए मजा अलग हो जाता है, तेरे तो घर में है एडवांटेज बहुत होती है हर चीज की, हर चीज की एडवांटेज होती है यार, फौजी साहब लगा समय अनुरोध है कि जब बार बनाते हो तो बाथरूम थोड़ा बड़ा बनाया करो, क्योंकि बाथरूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, वैसे बाथरूम बड़ा बनाना चाहिए था इनको, छोटा बाथरूम बड़ा छोटा है, कोई गया होना अंदर देख ला प्रवा क्या कोई नहीं अंदर जा इतना खुल कोई नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी बस चिल सी पार्टी कर ली, अभी हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे, कुछ खाने का इंतजाम करेंगे, जबकि मजा आया नहीं आया बहुत मजा आया ना जी, 15 साल पुरानी यारी है हमारी, 15 साल पुराने दोस्त हैं हम लोग, और मतलब इतनी पुरानी बातें, ऑस्ट्रेलिया फोन घूम गया, दोस्तों से बातें होगी, सबसे बातें होगी, बड़ा मजा आया, और नॉन वेज किसी ने नहीं खाया भाई, ट्रस्ट मी किसी ने छुआ तक नहीं, मतलब खा सकते थे पर खाया नहीं, और बंदा अंदर यार बंदा मारता हडा मैं उसको बोला बंदा अंदर है हमारा, बोला डर के आगे आगे सॉरी अच्छा खाना वाना खाने की हिम्मत है पेट में जगह नहीं ना सब सेट तो गाइस अभी प्लान है कि यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ा गेड़ी बड़ी अंदर ही गेड़ी मारी, थोड़ा पच पुच जाएगा सब कुछ जो खाया पे दूर गया है तुझे पार्क किया दूर गया नहीं नहीं गाड़ी तो उस तरफ है उस वाले फ्लोर पे है हाँ तो वही है तो गाड़ी बहुत सेक्सी है गाड़ी बहुत सेक्सी है 4Matic नहीं नहीं गेड़ी मारते हैं अंदर घूमते हैं थोड़ा मॉल वॉल देखते हैं जाके चलो इधर इधर से आओ इधर हाँ ABS का वो ट्रैक्शन का लेन देना नहीं है उससे कुछ बाहर कितने सेंसर क्या है कोई अच्छा वो टाइगर वैसे है चक्कर मार चल ठीक है फिर वो जाते का।
A few moments later. तो जी कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि जग्गी को छोड़ दिया विशाल के पास, फिर मैं घर आ गया तो व्लॉग पूरा नहीं हो पाया। और बीच में गाड़ी का एक सेंसर जो रियर वाला सेंसर है वो जवाब दे गया, और जनरली कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सेंसर वेंसर जनरली चले ही जाते हैं गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी कभी खड्डे में जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। और मुंबई में खड्डे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने ज़्यादा कि कोई भी सेंसर जवाब दे देगा। तो अभी इसका लेफ्ट का रियर वाला सेंसर गया है, हर साल में एक सेंसर जाता है। तो पहले लेफ्ट का फ्रंट राइट का गया था, फिर फ्रंट लेफ्ट का गया था, तो मैं सर्विस पे चेक करा ही लेता हूँ, बट इस बार पीछे वाले जवाब दे गए, तो मैं फटाफट चेंज कराता हूँ। तो अभी लंच का प्लान है, तो जग्गी वहीं पे होगा, तो उसको पिक करके विश्व पिक करके थोड़ा लंच करने चलते हैं, थोड़ा संडे इंजॉय कर लेते हैं। बाइक यहाँ तक वीडियो देख चुके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द बेल आइकन फॉर चैनल मोटिवेशन। ओके गाइस, सेंसर की लाइट अब नहीं आ रही है, लाइट सेंसर की, तो अब सब ठीक है। तेल डलवाने आए हैं, आधी जिंदगी तेल डलवाने में निकल जाएगी, इतना तेल डलवाते लोग। सही टाइम पे पेट्रोल पंप खुला होता ना आज से कुछ सालों पहले, मतलब भाई क्या मजा आता जिंदगी में। गाड़ी का उस तरह बैठा होता, उस तरह ड्राइवर बैठा होता, गाड़ी चला रहा नहीं होता, गाड़ी में आराम फरमा रहा होता। अभी फटाफट चलते हैं, संडे को भी देखो ना भाई कितने लोग, मतलब संडे को भी घर से बाहर निकले होते हैं। मस्के बाद में मार भाई, इंजन ऑयल बाद में चेंज करना, पहले तेल डाल दे उसको, मेरे को लेट हो रहा है। गाइस हम लोग वापस आ गए हैं। ओ कोई नहीं, कपड़े टेंशन लेने दी, जगी दिल साफ होना चाहिए, कपड़े पाए कसमैले हो साडे, कपड़े चाहे हमारे गंदे हो पर दिल साफ होना चाहिए। जगी हेलो तो बोल दे एक बार। हेलो बढ़िया बढ़िया, तो हैप्पी भाई होगा, हाथ नहीं जोड़ेगा, सत श्री अकाल जी। चलो हूं लंच कराओ यार, कितने वधिया जगह, चलो भूख बहुत लगी है। किधर खाएंगे, किधर खाएंगे, किधर खाना खाएंगे, देखिए। इतने इतने ढाबे टूबे भी नहीं ना बंदा, मतलब मैं बॉम्बे जब भी होता ना, मैं हमेशा एक चीज मिस करता हूँ कि संडे है, संडे को बंदा निकल जाए बाहर हाईवे पे ढाबे डूबे जाके, बढ़िया इधर नहीं मिलते कुछ भी। तो गाइस मौसम बड़ा प्यारा यार, फोन जब अपडेट होता है तो कैमरा भी अपडेट होता है, क्वालिटी बड़ी वधिया लग रही है। साफ किया होगा ना कैमरा, तो मेरा साफ ही रहता वीर जी, कैमरा गंदा नहीं रहता। तो गाइस अभी हम लोखंडवाला में, और आज ड्राई डे है, सब कुछ बंद है, नथिंग बट चिकन भी बंद है, मतलब मुर्गियां ना भी ड्राई डे आज। चलो बहुत बढ़िया, तो अभी खाना खाने के लिए जगह ढूंढी जाए, अच्छा सा शाही खाना खाया जाए। तो गाइस हम लोग आए छोले कुलचे में, मैं पहली बार खाए थे 3 साल पहले, क्यों हेलो हाय बोल, दुनिया देख रही है तेरे जगी, पीपल आर वॉचिंग यू। समाप्त।